हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं किरण झा अपने चैनल मिथिला पेंटिंग बाय किरण झा में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, ये देखिए, यहां पर ये मेरी एक बहुत ही मर्सराइज्ड कॉटन साड़ी है जो बहुत ही पतली सी है। देख ही रहे कितनी पतली है। इस साड़ी के नीचे, इस पर पेंट करने के लिए मैं इसके नीचे एक कपड़ा रखी हूँ, एक कॉटन का कपड़ा बिछा दी हूँ, जिससे कि इसके नीचे एक कपड़े का बेस हो जाए, जिससे कि कलर अच्छे से इसमें लग सके। तो चलिए, इसको मैं आज पेंट करके दिखाती हूँ। और ये इस तरह से हम लोग पेंट करेंगे कि एक कोई एकदम बिगिनर वाला जो बच्चा है, जो कि अभी कभी नहीं, आप लोग जो नहीं बनाया है कभी, वो भी इस पेंटिंग को बना सके और जो है कुछ सीख सके। ये देखिए, पूरा एक मछली है। ये साड़ी के नीचे में इस तरह से मछली दी है। आप इसी मछली को बार बार बना सकते हैं और फिर आप बहुत ही आसान तरीके से अपने लिए आप कुछ भी चीज़ बना सकती हैं। तो चलिए, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए ये कलर्स हैं, ये एक्रेलिक कलर्स हैं। ये मैं इसको स्केच कर ली थी। अगर आप लोग को स्केच करना भी सीखना होगा तो फिर मैं नेक्स्ट बार जब बनाऊंगी तो मैं इसको स्केच करना भी बताऊंगी कि किस तरह से इसको हम स्केच किए हैं। इसका हल्का सा बस मैं बता देती हूँ। ये देखिए, ये जो मैं प्लेट ली हुई है, इसी प्लेट के, ये देखिए प्लेट की गोलाई है, प्लेट की गोलाई से इस तरह से मछली की बॉडी यहाँ से यहाँ खींच ली हूँ और फिर इसको एक शेप दे दी हूँ। यहाँ से यहाँ ये प्लेट की गोलाई से हो गया है और फिर इसको मैं एक शेप दे दी हूँ। और इसको भी जितना मोटा आपको मछली बनाना है उस हिसाब से आप इसको एक शेप दे सकती हैं। तो मैं बनाने का तरीका मूल रूप से बता दी हूँ। अगर आप लोगों को सीखना होगा तो मैं जब अगली बार बनाऊँगी तो मैं आपको इसको बताऊँगी कि किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग इसको करते हैं। ये डिप पेन है। डिप पेन की सहायता से मैं कचनी, चाहे कपड़ा भी हो तो मैं डिप पेन की सहायता से करती हूँ। लेकिन जब इसमें भरने का रहता है तो उसको उसके लिए मैं 00 का ब्रश यूज़ करती हूँ। ये देखिए 00 का ब्रश, ये कचनी के लिए भी यूज़ होता है, यानी तो फिर कुछ इससे थोड़ा सा मोटा ब्रश, जो कि एक नंबर का भी हो सकता है। इस तरह से एक नंबर का ये ब्रश है, इसको मैं भरने के लिए यूज़ करूँगी। तो चलिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना। ये मैं इतना आसानी से बताऊंगी, इसमें बहुत ज़्यादा कठिन नहीं बनाऊंगी, जिससे कि इसे कोई भी बना सके। जिसने कि कभी आज तक मधुबनी पेंटिंग नहीं बनाया है वो भी बना सकता है। देखिए, ये रेड का कलर है। इसमें चूँकि पेन से बनाना है तो इसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा इसको डाइल्यूट की हूँ, थोड़ा पतला की हूँ। पतला करने पर क्या होगा कि हमारा पेन आसानी से चल सकेगा। ये देखिए, इसमें डिप करके, ये देखिए आसानी से चल रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। देख ही रहे, बहुत ही आसानी से चल रहा है। ये देखिए, फटाफट फटाफट हो रहा है। आप इस तरह से, आप बस इस बात का ध्यान रखना है कि आप इतना पानी मिलाएं कि आपका कलर जो है कपड़े पर फैले नहीं। इसके लिए आप एक रफ कपड़े पर देख सकती हैं और इतना मोटा भी ना रहे कि आपका निब ना चले। तो कलर एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला ना जाए बहुत ज़्यादा मोटा, जिससे कि निब भी बढ़िया से चले और हमारा कलर इतना पतला भी ना हो कि वो फैलने लगे। ये देखिए, ये हो गया, रेड का काम हो गया। अब इसे मैं बंद कर दे रही हूँ। अब यहाँ मैरून से एक एक, ये जो इसका नीचे वाला पंख है, इसमें एक एक को मैं रेड की हूँ और एक एक को छोड़ दी हूँ, उस पर दूसरा कलर करूँगी। इसकी बॉडी है, इसमें भी लाइंस खींचे हैं तो एक को छोड़ दे रहे हैं और एक एक में मैं मरून से बस कचनी, सीधी कचनी, खड़ी कचनी इसमें कर दे रही हूँ। सब में एक एक को छोड़ करके एक एक में खड़ी कचनी करते जाइए। देखिए, पेन से करना बहुत आसान होता है, बहुत ही फटाफट होता जाता है, इसलिए मुझे कचनी वर्क मुझे पेन से ही ज़्यादा पसंद आता है। देखिए, फटाफट हो गया, ठीक है। अब मुझे लगता है कि अच्छा, हाँ, रेड का थोड़ा सा और काम बचा है। इसके जो फिन्स हैं, देखिए एक फिन्स मैं बना चुकी थी ब्लू से, तब मुझे याद हुआ कि आपके साथ भी शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं रेड को छोड़ी हुई हूँ। अब देखिए, यहाँ ये दूसरा वाला जो है इसको रेड से कर रहे हैं। देखिए, शुरुआत में इस तरह से कर लिए, ठीक है। अब थोड़ा लंबा लंबा, थोड़ा सा लंबा लंबा, देखिए एक बार में नीचे की ओर कर रहे हैं, ठीक है, इतना हो गया। अब इधर से भी हम लोग आइए बराबर साइज़ में। ये देखिए, कोई बहुत लंबा, कोई बहुत छोटा, ये बराबर साइज़ में इस तरह से हो गया। तो ये भी एक बराबर साइज़ में ये हो गया।
गया। अब मुझे लगता है कि रेड का काम भी ख़त्म हो गया। अब इसको मैं आप धो सकती हैं निब को, और अगर नहीं तो आप इसको बढ़िया से पोंछ भी सकती हैं। अब निब का जो काम है वो देखिए, ये ब्लू का ब्लू क्रूसेंट ब्लू में थोड़ा सा वाइट मिला करके इस तरह का कलर बनाए हैं, और इससे जो है इसके पूंछ को, इसके पूंछ में थोड़ा मैं ब्लू करना चाह रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पहले एक लाइन खींच ली और इसके बाद इसमें कचनी, सब में देखिए मैं खड़ी कचनी ही कर रही हूँ, खड़ी कचनी या फिर आप तिरछी कचनी कर सकती हैं। ठीक है, ये देखिए अच्छा लग रहा है। यहाँ अब देखिए आधा उधर हो गया, तब इधर इधर की ओर फिर ये इस तरह से किए, और इसमें ये देखिए ये भी हो गया हमारा, ये काम भी ख़त्म हो गया। अब हम पेन को हटा दे रहे हैं क्योंकि अब हमारे ब्रश का काम है। ठीक है, अब हम ब्लू कलर ले रहे हैं, ये अल्ट्रामरीन ब्लू है, जैसा कि देखने से ही लग रहा है बहुत ही चटकीला सा है। अब इसमें देखिए एक एक में तो मैं कचनी कर दी हूँ, अब एक एक में बस इस तरह से एक लाइन लाइन छोटे छोटे लाइन्स, जैसे कि कॉमा से थोड़े बड़े लेकिन खड़ी पाई से थोड़े छोटे, इस तरह के लाइन्स एक एक में। रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, एकदम एक सिक्वेंस में देखिए इस तरह से करते जाइए। एकदम इसमें कोई भी कठिन चीज़ों का मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं आज एकदम उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो कि पहली बार कर रहे हैं। तो आप भी आसानी से अपने लिए कुछ भी चीज़ बना सकती हैं, कम से कम पेंटिंग तो बना ही सकते हैं। इस तरह से मछली का पेंटिंग और बॉर्डर मैं बताई ही हुई हूँ, एक दो बॉर्डर बताई हूँ, और भी बॉर्डर मुझे बताना है, थोड़ा सा मुझे समय मिल जाए तो उस किनारे जो मैं बॉर्डर बताई हूँ उसी बॉर्डर्स को कर लीजिए, आपकी ये पेंटिंग बिल्कुल तैयार हो जाएगी। ये देखिए कुछ नहीं किए हैं, बस छोटे छोटे खड़ी पाई से थोड़ा छोटा और कॉमा से थोड़ा बड़ा। अब यहाँ हो गया, अब यहाँ ये ब्लू का फिन्स है, इसके किनारे में भी थोड़ा सा इस तरह से कर देंगे तो इसमें चमक आ जाएगी। इसको हल्का हल्का नीचे की ओर इस तरह से करते रहें, जिससे किनारे में गाढ़ापन आ जाएगा तो एक चमक सी आ जाएगी। ये देखिए हल्का सा ये कर दिए, और नीचे की साइड ऐसे ही जैसे कि इसके पंख में किए हैं इसी तरह से। ये देखिए बहुत ही सिंपल डिज़ाइन, लेकिन देख जब बन जाएगा तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। मैं कही कि भाई हार्ड चीज़ तो बहुत बार बताते हैं, लेकिन आज एकदम सिंपल सा चीज़ बताएं जो कि सभी को आ जाए। देखिए ये फिन्स तैयार है बन करके। अब जब हम भी ब्लू ही लिए हैं तो हम इसके बॉडी को भी ब्लू ही करना चाह रहे हैं। तो इसका जो ये हाफ बॉडी है जिसमें कि हम इस तरह से डॉट्स बनाए हैं, इसको भी आप पूरा ब्लू से भर दीजिए, बहुत ही खूबसूरत लगेगा ब्लू से भरने के बाद। ये देखिए चूँकि हम अभी पतले वाले ब्रश में ही लगाए हुए थे तो हम ब्रश अभी बदले नहीं हैं, पतले वाले से ही इसलिए कर दिए हैं। आप चाहें तो अपने ब्रश को बदल करके थोड़ा सा मोटा वाला जो एक नंबर का ब्रश था आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मैं लाई तो थी इसीलिए, लेकिन फिर इसमें लगा ही था तो मैं सोची इसी ब्रश से कर लेती हूँ। ये देखिए इसी तरह से इसको पूरे जितना इसका बॉडी है पूरे बॉडी में, बहुत धीरे धीरे हो रहा था तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज ही कर दी क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था। ये देखिए ये प्योर कलर है, इसमें मैं किसी तरह का पानी नहीं मिलाई हूँ या कुछ भी, क्योंकि ज़्यादा पानी मिलाने पर ना वो पतला हो जाएगा। इसमें जो शाइनिंग है देखिए बहुत ही गजब की शाइनिंग है, तो शाइनिंग में थोड़ी सी कमी हो जाएगी इसलिए मैं इसमें कुछ मिलाई नहीं हूँ। ये देखिए ठीक है, ये इतना दूर हो गया, ऐसे ही ये पूरे को कर लीजिए फटाफट। ये देखिए चलिए दोस्तों, तो आप लोग का हो गया होगा, बस मेरा भी होने ही वाला है क्योंकि ये देख ही रहे मछली थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, इसलिए इसके बॉडी का पार्ट भी थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, और ये चूँकि पिंक कलर की साड़ी है
इस पर ये ब्लू बहुत अच्छा लगता है पिंक पर, इसलिए मैं ब्लू से दी हूँ। ये देखिए, ये बॉडी बन गई, बॉडी बन के तैयार। इतने में ही देखिए इसमें खूबसूरती झलकने लगी है। अब देखिए दूसरे साइड, हम चाह रहे हैं इधर ब्लू है तो इधर की साइड ऑरेंज, फिर इस पर अच्छा लगेगा। तो ये जो एक एक हम लोग मरून किए हैं, जो बीच बीच में एक एक लाइन है, इसमें हम लोग ऑरेंज कर दें तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ठीक है, ये बहुत ही मोटा वाला है, ये 4 नंबर का ब्रश है, इसलिए इससे कचनी नहीं हो सकेगा। ये देखिए, ये हो गया हमारा भरने का काम, फटाफट हो गया। ठीक है, इसी में हमें रेड से भी थोड़ा सा भरना है, तो भरने का काम इसमें कर ही लें। इसी से कर लेते हैं, इसी ब्रश से। ये देखिए, यहाँ पर भी हमें रेड भरना है। ठीक है, रेड हमें यहाँ पर भी भरना है। अब जहाँ जहाँ इसके बाद, या इतना तो हो गया, इसके बाद जहाँ भरना है वहाँ हमें पतले ब्रश की आवश्यकता है। तो अब इसको हटा दे रहे हैं और पतला वाला ब्रश ले आते हैं। ठीक है, जो कि पतले ब्रश से हम लोग रेड को कर लेंगे। ये देखिए पतला वाला ब्रश है, तो इसमें देखिए यहाँ पर ये रेड से, ये पतला वाला रेड था, ये जो है थोड़ा सा गाढ़ा, क्योंकि यहाँ महीन महीन है, जरा सा ही फैलेगा तो पतला हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा उच्च की, यहाँ ब्लैक था, थोड़ा सा रेड हो जाएगा तो ये अच्छा लगेगा। ठीक, एकदम देखिए एकदम सिंपल तरीका है, जरा सा भी इसमें कुछ भी हम कठिन वाला चीज़ नहीं डाले हैं, एकदम सिंपल, जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल मैं बताई हूँ। ये देखिए इसके गले पर भी थोड़ा थोड़ा रेड, थोड़ा थोड़ा रेड कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर भी जैसे ब्लू है वैसे ही रेड से भी कर दे रहे हैं, क्योंकि दोनों ही फिंस एक जैसे रहेंगे तो अच्छा लगेगा। बस एक ब्लू है और एक रेड है, क्योंकि इसका ये वाला पंख भी एक ब्लू और एक रेड है, इसलिए यहाँ पर भी फिंस एक ब्लू है और एक रेड डाले हैं। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ये हो गया। अब ये चूंकि इसको थोड़ा सा मैं ब्रश को पोछ ले रही हूँ, ठीक है, इसे कि यहाँ ऑरेंज मतलब उस समय तो मोटा ब्रश लिए थे इसलिए यहाँ नहीं किए थे, यहाँ ऑरेंज का कचनी थोड़ा सा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैं धो लेती हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा इससे मोटा वाला जो ब्रश था, 1 नंबर का जो ब्रश था, उसको मैं ले रही हूँ। और ये देखिए ये टील ब्लू कलर है, इससे देखिए, बस इससे ये जो मैं कलर्स का नाम बोल रही हूँ उसको याद रखिएगा, इससे कि बाद में आपको आसानी रहेगी। ये देखिए ये हो गया। अब ये एक ब्लू मैं बनाई हूँ, मैं खुद से बनाई हूँ, इसमें ब्लू ग्रीन सभी थोड़ा थोड़ा करके डाली हूँ, तो थोड़ा सा ब्लू और थोड़ा ग्रीन को मिला दीजिएगा तो ये इस तरह का बनेगा। इसको देखिए यहाँ जो ये पूंछ है, थोड़ा सा इसमें चमक लाने के लिए, पूरे पूंछ पे नहीं कर रहे हैं, बस हल्का हल्का कर रहे हैं, जिससे कि इसमें भी थोड़ा सा चमक आ गया है ना। ये देखिए ये हो गया, यहाँ से हल्का हल्का, बस हल्का हल्का सा ऐसे ऐसे कीजिए। ठीक है, यहाँ ये हो गया, इसके यहाँ पर भी ये थोड़ा सा ब्लू, जिससे कि ये अच्छा लगेगा। ये देखिए ये ग्रीनिश ब्लू है, इसमें ग्रीन और ब्लू दोनों को मिलाए हुए हैं। अब देखिए ये देखिए हमारा मछली बनके तैयार हो गया। दोस्तों आप लोग ये बताइएगा कि आपको ये मेरी ये मछली कैसी लगी। ये देखिए इसको मैं इस, अच्छा इस एक मिनट इसको मैं ज़रा ये करती हूँ।
ये देखिए पास से मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए कितनी खूबसूरत मछली बनी है। दोस्तों आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये मछली कैसी लगी। आप लोग भी इसको बनाइएगा अपने दुपट्टे पर, अपने साड़ी पर, कहीं पर भी बना सकती हैं, इसकी पेंटिंग बना सकती हैं। देखिए पेंटिंग में भी बहुत खूबसूरत लगेगा। चारों ओर बॉर्डर कर दीजिए और बीच में एक बड़ी सी मछली इस तरह से डालिए, बहुत ही खूबसूरत लगेगी। दोस्तों आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी मछली कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर कुछ कमी रह गई है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसमें क्या कमी रह गई है, और इसको मैं अगले सेशन में इसको ठीक कर सकूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ सी नए चीज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।